जो सैनिक हमारे शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो हैदराबाद में जो दुर्घटना हुई, जितने श्रमिक जो मारे गए उनको भी श्रद्धांजलि हम प्रकट करते हैं। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे दोनों सरकार, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सभी परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो गलवान घाटी में जो भी हादसा हुआ, आज इतना तो स्पष्ट है कि हमारे जो वीर सैनिक आज मजबूती के साथ सीमा पर खड़े, तभी हमारा देश सुरक्षित है। मौसम हो, ठंडा हो, गर्मी हो, रेगिस्तान पे हो, चट्टान पे खड़े हो, वो मजबूती के साथ देश की रक्षा करते हैं। बात हम कहेंगे, अगर इसी प्रकार से भारत के सभी राज्य एक दूसरे का दुख सुख मिलेगा, आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने, नीतीश जी ने, लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नई महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, ये गरीबों की सरकार है, ये जनता की सरकार है, और जनता के हर एक मुद्दे जो सामने आएंगे उसको हम लोगों को निवहन करना है। और ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में मिल करके हम सब लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसको हम लोगों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब तक गरीब राज पिछड़े राज्यों को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, सहयोग नहीं कीजिएगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार जैसे गरीब राज और बैकवर्ड स्टेट होने के नाते कहीं ना कहीं से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग मिलता तो नहीं है, ऊपर से और बोझ जो है डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। तो हम तो ज़्यादा कुछ आज नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री जब समाज में अमन चैन रहेगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है। ये अमन चैन लोगों में भाईचारा बनी रहे, सामाजिक धार्मिक तनाव उन्माद जो आजकल जो जहर जो परोसा जा रहा है, आज हम जैसे सरकारों के आगे एक बड़ी चुनौती है कि इस जहर को समाज से हम कैसे मिटाएं। तो ये चुनौती है, और हम लोग मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इसको जहर को मिटाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्यों से ही देश बनता है, तो हम अपने अपने राज्यों को देंगे और देश को आगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर हम श्रद्धांजलि को हम दिल से धन्यवाद देते हैं पाए, और इस अवसर पर आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।